फ्रेंड्स, ये एक 30 KVA का किर्लोस्कर का जनरेटर। इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि करंट नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 30 KVA का अल्टरनेटर है और इसके अंदर हमने चेक किया तो जो इसके डायोड्स हैं डायोड्स ख़राब हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमें खोलना पड़ेगा। तो पहले हम इसका ये कवर हटा लेते हैं। तो इसका पीछे का कवर हमने निकाल दिया, यानी कि हमने फील्डें निकाल दी हैं और इसका बेयरिंग भी निकाल दिया है। ये रही है इसकी फील्ड, एक्साइटरिंग फील्ड है इसको बोलते हैं, और ये है इसका एक्साइटर, ये इसका मेन स्टेटर है, ये है इसका एक्साइटर। एक्साइटर के अंदर ही डायोड असेंबली लगी होती है, यानी इसको RR असेंबली बोलते हैं। तो ये जो डायोड असेंबली है ये ख़राब हो रही है। इसके अंदर दो तार लगे होते हैं, ये अंदर वाली मोटी वाली फील्डों के। ये एक तार है माइनस वाला, पीला वाला जो है ये माइनस वाला है, इसको हम निकाल देंगे। और एक तार यहाँ पर ये लाल वाला प्लस वाला होता है, तो इसको भी हम बाहर को निकालेंगे। तो ये हमने तार निकाल दिया है और अब हम डायोड असेंबली को बाहर को निकालेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये डायोड्स पर सोल्डिंग है लीडों पर, इस सोल्डिंग को हमें हटाना होगा तभी ये बाहर को आएगी। तो लीडों की सोल्डिंग हमने हटा दी, अब हम इस असेंबली को बाहर को निकालेंगे। ये निकल गई बाहर को, अब कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये रही ख़राब वाली डायोड असेंबली, और ये हमारे पास एक बिल्कुल ब्रांड न्यू किर्लोस्कर कंपनी की RR असेंबली। इसको हम निकाल लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बिल्कुल एकदम न्यू फ्रेश डायोड असेंबली, बिल्कुल एकदम न्यू है। इसको हम लगाएंगे। इसके अंदर 3 डायोड्स प्लस होते हैं और 3 डायोड्स माइनस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर में लिखा और यहाँ पर ब्लैक कलर में लिखा, ब्लैक वाला माइनस है और रेड वाला प्लस है। तो इसको लगाएंगे। इसका BDR और इसका BDR अलग है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है ये नई टेक्नोलॉजी है, काम दोनों सेम करते हैं। इनका काम होता है शॉर्ट सर्किट को रोकना, बाकी अगर ये नहीं लगाएंगे तो काम करेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वोल्टेज फ्लेक्सेशन कर सकता है अगर ये BDR नहीं होगा तब। ये किर्लोस्कर की ओरिजिनल डायोड असेंबली है, इसको हम लगाएंगे। इसको हम एक साइड रख देते हैं पुरानी वाली को। तो अब हम इस डायोड असेंबली को इसके अंदर लगाएंगे, BDR हम बाद में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक लीड लगानी पड़ेगी। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे, ये कुछ इस तरह से हमने लगा दिया है, ओके। और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और इस वाले को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं, ये हिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये हमने डायोड असेंबली अच्छे तरह से टाइट कर दिए। यहाँ पर हमने माइनस वाला सिरा लगा दिया फील्डों का और यहाँ पर हमने फील्डों का प्लस वाला सिरा लगा दिया और ऊपर से ये BDR लगा दिया। 3 डायोड्स ये प्लस वाले हैं, 3 डायोड्स ये माइनस वाले हैं। अब हम यहाँ पर इन डायोड्स पर ये एक्साइटर के 3-3 वायर लगाएंगे, 3 इधर और 3 इधर। तो फटाफट से इन वायर पर भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने एक्साइटर की सभी लीडों को डायोड्स के साथ ज्वाइंट कर दिया है, अच्छे तरह से सोल्डिंग कर दी है, नीचे भी सोल्डिंग कर दी है, ऊपर भी सोल्डिंग कर दी है। अब ये बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसके पीछे का कवर लगाएंगे, यानी एक्साइटिंग फील्ड लगाएंगे। तो फटाफट से हम पीछे का कवर लगा लेते हैं और ऊपर का कवर भी लगा लेंगे हाथों हाथ। तो फ्रेंड्स, हमने पीछे का कवर भी लगा दिया है और ऊपर का कवर भी लगा दिया, जनरेटर बिल्कुल ओके है। अब हम इसको चला करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये है इसका पैनल, इसको हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक पैनल लगा, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक पैनल से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये है इसका AMF पैनल, यानी कि ऑटोमेटिक पैनल। यहाँ पर इस समय ये मैनुअल में है, क्योंकि मैनुअल में इसलिए है क्योंकि अगर लाइट जाती तो स्टार्ट हो जाता, हम काम कर रहे थे। इस समय हाइडल आ रही है, 3 फेस आ रहे हैं RYB, और जब जनरेटर चलेगा तो ये वाली लाइट ग्लो हो जाएगी, यानी कि करंट आ जाएगा। अगर करंट नहीं आएगा तो ये वाली लाइट नहीं जलेगी। तो इस समय ये मैनुअल में है, इसको हम ऑटो में कर लेते हैं और लाइट को हम कट करेंगे तो जनरेटर ऑन हो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर करंट आ जाएगा, अगर सही हो जाएगा, हो गया होगा तो इसको हम कट करते हैं लाइट को और अब देखते हैं क्या होता है। जनरेटर स्टार्ट हो चुका है और लाइट भी आ चुकी है, टनाटन बाय बाय टाटा, और लोड पर चला गया, पीला वाला इंडिकेटर लोड का, यानी कि लोड चल रहा है, यानी जनरेटर ओके हो गया है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप जनरेटर की डायोड असेंबली को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।